हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशन क्रिएशन। देखिए फ्रेंड्स, आज एक लेडीज कार्डिगन की या फिर टॉप की पैटर्न लाए हूँ। देखिए इस तरह से कुछ, देखिए ये पैटर्न बहुत ही इजी है। जस्ट 12 रो तक आपको, यहाँ से 12 रो तक आपको बनानी होती है और उसकी रिपीटेशन चलती है। बहुत ही सुंदर पैटर्न है, बहुत ही इजी है ये पैटर्न, सच में बहुत इजी है। देखिए इतने क्रोस से बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया पैटर्न। तो इसको किस तरह से बनाया है वो अभी देखेंगे, इसका बनाने का तरीका। ये पैटर्न जो है फ्रेंड्स 13 के मल्टीपल में बनता है, उसके साथ प्लस 3। तो आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में उस तरह से आपका फिट होगा। अगर आप 19 प्लस 3 ले तो आपका ये किसी भी प्रोजेक्ट पे आएगा। तो चलिए इसको अभी बनाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 31 स्टिचेस लिए हैं, इसके ऊपर मैं बनाऊंगी। तो इसका, इस डिज़ाइन का एक बेसिक रॉ है फ्रेंड, वो बता दूँ। ये उल्टी साइड है, आप इसे इस तरह से नीचे से ही स्टार्ट कर सकती हो। देखिए इस तरह से ये बॉर्डर टाइप, यहाँ तक बनाओगे तो ये कुछ बॉर्डर टाइप आएगा, या फिर पूरा बनाओगे तो इस तरह से आएगा। तो ये बॉर्डर टाइप कैसे कैसे बनाएंगे, देखिए इसका इस उल्टे में अगर होगा तो आपका बेसिक बना लीजिए सबको उल्टा। ये बेसिक रॉ है स्टार्टिंग का, इस तरह से सबको मैं उल्टा पहले बना लूँगी। देखिए ये इसका फर्स्ट रॉ है, फर्स्ट रॉ कैसे बनती है देखिए। आप ये एज स्टिच इस तरह से उतारेंगे, उसके बाद ऊन को इस तरह से वापस लाएंगे, इकट्ठा दोनों एक साथ, देखिए एक उल्टा बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद 5 फंदा उल्टा है, 1 2 3 4 5, 5 फंदा हम उल्टा बनाया। अभी देखिए ऊन अपनी तरफ रहेगा फोंड में, अभी एक सीधा बनाएंगे, मतलब यहाँ पे हम जाली डालेंगे इस तरह से। देखिए एक जाली डाला, ठीक है। अभी फिर से हमें और एक जाली डालनी है, इसलिए ऊन को ऐसे एक बार लपेट लीजिए, ठीक है। अभी 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 फंदा उल्टे के बाद देखिए इसको तीनों इकट्ठा लेके एक बार उल्टा बुनेंगे, ठीक है। इसके बाद 5 उल्टा, 1 2 3 4 5 उल्टा बनाया। अभी यहाँ पे एक जाली डालेंगे, ऊल अपनी तरफ रहेगा, इस तरह से बनाएंगे एक सीधा, ठीक है। और एक जाली डालेंगे, इसलिए ऊन को इस तरह से एक बार लपेट के एक उल्टा बनाएंगे, एक उल्टा बनाएं। अभी 4 बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 उल्टा बनाया। अभी स्टार्टिंग में जिस तरह से किया था, आप प्रोजेक्ट में डालिएगा जितना भी फंदा आप लीजिएगा, आप जब एंड में आपका ये दोनों इकट्ठा करना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने दोनों इकट्ठा किया था, ठीक है। ये प्रोजेक्ट के लिए लास्ट के लिए है आपका, दोनों इकट्ठा एक साथ उल्टा बुनेंगे। और ये एज स्टिच है, इसको आप जैसे बनाते हैं सीधा बना लीजिए। इस डिज़ाइन का एक खासियत देखिए फ्रेंड्स, ये अभी रॉन्ग साइड होगी, रॉ नंबर 2 रॉन्ग साइड। हर रॉन्ग साइड में इसका क्या होता है, उल्टा बुनाई होता है। रॉन्ग साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सबको इस तरह से एज स्टिच उतारिए, सबको इस तरह से उल्टा बुनिए। इसलिए ये डिज़ाइन डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही इजी तरीक़ों से, सिंपल तरीक़ों से बनता है। सिर्फ एक बार आप बुनाई करके देखिए, आपका फंडा समझ में आ गया तो ये क्लियर है। इस तरह से मैं सबको इस तरह से उल्टा बुनाई करूँगी, हर एक उल्टी रॉ सबको इस तरह से उल्टा बुनाई। देखिए ये थर्ड रॉ है, एज स्टिच उतारेंगे,
स्टार्टिंग में हर बार ऐसे ही करेंगे, दो फंदा इकट्ठा लेंगे, एक उल्टा बुनेंगे, ठीक है। एक उल्टा बनाया, अभी चार बनाएंगे। पहले बार, पिछले बार हमने पांच बनाया था, अभी चार देखिए, एक दो तीन आपका और चार, चार ही आपका उल्टा है। देखिए आप गौर से देखिए, चार उल्टा है और ये तो सीधा है। ये यहाँ पे सीधी बुनाई है, सीधे जाली डालेंगे, एक एक बार किया, अभी देखिए कितना सीधा है, दो तीन फंदा सीधा है। उनको एक बार लपेटेंगे इस तरह से, अभी चार फंदा, एक दो तीन चार फंदा उल्टा बनाया, उसके बाद तीनों इकट्ठा एक साथ, फिर से चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, एक जाली डालेंगे, मतलब एक सीधा दो सीधा तीन सीधा, यहाँ पर एक जाली डालेंगे, एक दो तीन चार सीधा बनाएंगे, उल्टा बनाया, दोनों इकट्ठा एक बार एक उल्टा। ये ऐसे स्टिच को आप अपने हिसाब से बनाएंगे। रो नंबर फोर सबकी उल्टा बुनाई करेंगे। अभी देखिए रो नंबर फाइव है, ऐसे स्टिच उतारा, दोनों इकट्ठा, उसके बाद देखिए एक दो तीन, तीन फंदा उल्टा, ये एक सीधा है, जाली यहाँ पर डला हुआ है देखिए, तो मतलब यहाँ पे और एक जाली डलेगी, एक दो तीन चार और ये पांच सीधा। अभी यहाँ पे एक जाली डलेंगे और देखिए कितने, एक दो तीन फंदा उल्टा, उसके बाद देखिए तीनों इकट्ठा एक साथ एक बार बनाएंगे, उसके बाद तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन फंदा उल्टा, उन अपनी तरफ रहेगा, एक सीधा दो तीन चार पाँच सीधा, देखिए फाइव फंदे सीधे। अभी यहाँ पर एक जाली डालेंगे इस तरह से लपेट के, एक दो तीन फंदा उल्टा, ठीक है। अभी दोनों इकट्ठा एक फंदा एज स्टिच। अभी बैक में हमारा सिंपल है, बैक में देखिए इस तरह से हर बार जैसे हमने बताया बैक का ये उल्टा आएगा। नंबर सेवन एक उतारेंगे, दोनों एक साथ देखिए उल्टा। अभी उसके बाद देखिए एक एंड ये दो, दो फंदा उल्टा बनाया। अभी उन अपनी तरफ रहेगा, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, पिछले हमने पांच फंदा हुआ था हमारा पिछले रो में, तो अभी देखिए सेवन हुआ। अभी यहाँ पर एक बार देखिए इस तरह से जाली डालेंगे, एक दो, दो फंदा उल्टा इकट्ठा, तीन एक साथ उल्टा बुनेंगे, उसके बाद दो फंदा उल्टा, उन अपनी तरफ रहेगा, सात फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात फंदा। वह लपेट के देखिए, एक फंदा उल्टा दो फंदा उल्टा, इसके बाद दोनों इकट्ठा एक साथ एक उल्टा। एज स्टिच को इस तरह से
पीछे से सीधा। अभी देखिए रॉन्ग साइड, हमेशा की तरह रॉन्ग साइड देखिए इस तरह से उल्टा, पूरा उल्टा बनाएंगे। अभी देखिए ये सीधी रो, इस तरह से एक उतारा। अभी देखिए ये दोनों इकट्ठा बनाया। इसके बाद देखिए एक फंदा उल्टा है, एक फंदा उल्टा, उन पीछे अपनी तरफ रहेगा, एक जाली डालेंगे, एक सीधा, दो सीधा, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और ये नौ, नौ फंदा। अभी यहाँ पे एक जाली डालेंगे इस तरह से, एक फंदा। अभी देखिए तीनों इकट्ठा, एक फंदा बनाया, एक फंदा उल्टा, यहाँ पे एक जाली डालेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ फंदा, ठीक है। एक जाली डालेंगे और एक उल्टा, दो फंदा इकट्ठा बुनेंगे, ठीक है, उनको पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। ये उल्टा रहा, यहाँ पर मैं सबको इस तरह से उल्टा बनाऊंगी। ये रो नंबर 10 है, इस तरह से आप सबको इस तरह से उल्टा बना लीजिए। देखिए रो नंबर 11 है, एक फंदा काला, इसके बाद देखिए ये दो फंदा उल्टा आएगा, ठीक है। इसके बाद ऊन अपनी तरफ रहेगा, एक, दो, तीन, चार, ये पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ये दस और ये ग्यारह फंदा, ठीक है। अभी देखिए तीनों इकट्ठा बुनेंगे, यहाँ पे लपेट के इकट्ठा बना लिया। यहाँ पे एक जाली डालेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ये दस, ये ग्यारह, ठीक है। इस तरह से लपेट के देखिए इस एक फंदा उल्टा, ये एज स्टिच। ये हमारा डिज़ाइन का एंड है, देखिए देखिए ये डिज़ाइन का, यहाँ तक हमारा डिज़ाइन बन चुका है। अभी ये 12 रो है, 12 रो में मैं सबको उल्टा बनाऊंगी। देखिए ये बन गया मेरा, 12 रो तक बन गया, ये 12 रो तक। अभी आप इस साइड को बॉर्डर में भी डाल सकते हो, या फिर 12 रो तक बन जाने के बाद आपको फिर से ये फर्स्ट रो यहाँ पे डालनी होती है। तो मतलब ये 12 रो तक मैं रिपीट करते जाऊँगी। अगर आप रिपीट करते जाओगे तो आपका इस तरह का डिज़ाइन देखिए बनता जाएगा, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन देखिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप बनाते रहिए इस तरह से और आपका बहुत खूबसूरत ये डिज़ाइन बनता जाएगा। ये कार्डिगन का डिज़ाइन है, टॉप का है, लेडीज़ है, आप चाहो तो किसी पे भी डाल सकते हो। इसका कैप भी बना लीजिए, बहुत हेड भी बना लीजिए, बहुत अच्छा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।